एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL से रिगार्डिंग एक नया अपडेट आ रहा है, उस अपडेट के बारे में। आखिर में अपडेट किस प्रकार का है, क्या क्या अपडेट में बताया जा रहा है, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए जानते हैं किस प्रकार का अपडेट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो अपडेट निकल के आ रहा है, यह अपडेट ग्वालियर से है। तो ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर ग्वालियर में जो कि 144 गाँव में पहुँचेगी BSNL की 4G सेवा। अगले साल में 5G आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ग्वालियर में। तो ग्वालियर के जो कि यहाँ पर अपडेट है, ग्वालियर से निकल के आ रहा है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और सारी जो जगहें हैं, यानी जो भी राज्य हैं, वहाँ पे BSNL का जो 4G है कब तक आएगा। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, उस स्थानों पर BSNL 4G सेवा शुरू करने जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 144 गाँव में मोबाइल टावर स्थापित होंगे और जो पहले से मोबाइल टावर स्थापित है उन सभी को जो कि 4G तकनीक में अपग्रेड किया जाएगा। यानी ग्वालियर के जो यहाँ पर जो कि चंबल है संभाग है, वहाँ पे जो कि पहले से जो भी नेटवर्क है, यानी जो भी टावर है, वहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा 4G में। जैसे कि 2G और 3G का जो भी टावर लगे हुए हैं उसको ही 4G में जो कि कन्वर्ट किया जाएगा, और साथ ही वहाँ पे नए 144 टावर और लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे अगले एक साल में इसे 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी कि परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी कि जो 4G आपको 144 नए टावर रहेंगे और जो पहले से जो टावर लगे हुए हैं उसको जो कि 4G में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगले साल तक उन्हीं को जो कि अपग्रेड कर दिया जाएगा 5G में। तो यहाँ पे जो कि अगर BSNL 4G लॉन्च करता है तो उसके कुछ ही समय बाद जो कि जल्द ही आपको BSNL 5G देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका 4G का जो प्रोसेस है वो 5G को लेकर कहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 4G अपग्रेड हो, 4G आ जाएगा, उसके बाद उसको अपग्रेड करके जो कि आपको 5G में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो भारत सरकार के केंद्रीय दूरसंचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है कि रेल मंत्री सिटी सेंटर स्थित BSNL कार्यालय पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा संभाग भर में कॉपर लाइन ऑप्टिकल फाइबर केबल में बदले, इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पहुँचेगी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो BSNL को भारत नेट प्रोजेक्ट फेज 3 के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी। व्यापारिक क्षेत्र 38 ब्लॉक में से 25 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का काम पूरा हो चुका है। इनमें से जो कि 1927 ग्राम पंचायत फेज 1 और 2 में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा जोड़ी जाएगी। इसका लाभ दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों को रहने वाले को मिलने वाला है। ऐसे कुछ अपडेट निकल के आ रहे थे जो कि BSNL 4G से था, जो कि BSNL 4G ग्वालियर में जो कि आपको देखने को मिलने वाला है जल्द ही, और वहाँ पे BSNL 4G का जो है कि 1144 गाँव में BSNL 4G जो कि देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि उसमें आपका भी गांव शामिल हो। तो आप ग्वालियर के कौन से गांव से रहने वाले हैं, आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप काफ़ी समय से BSNL 4G का वेट कर रहे हैं तो आपको जल्द ही BSNL 4G देखने को मिलने वाला है। काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं लेकिन आपका जो वेट है, यानी जो इंतज़ार आपका है, वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर BSNL काफ़ी सारा जो कि प्रोसेस को पूरी तरह से अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर चुका है। जल्द ही आपको BSNL 4G देखने को मिलेगा। फिलहाल आप कौन से स्टेट से रहने वाले हैं, आपके स्टेट में BSNL 4G आया या नहीं आया, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।